अनुपात का नियम मैंने आपको बताया था, स्थिर अनुपात का नियम तो मैंने आपको लिखो दिया है। स्थिर अनुपात का नियम में अन्य उदाहरण आ गया कि ये नियम है ना, सर्वप्रथम इसने दिया ये नियम, सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक ने जेल क्रॉस में दिया था, जिसका मैं आपको परिभाषा लिखवा चुका हूँ। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अन्य उदाहरण में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 12 ग्राम कार्बन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को देख रहे हैं 12 ग्राम और 32 ग्राम मिलाकर के 44 ग्राम हमारे पास में क्रियाकारक है, अभिकारक है। यदि इसे हम लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर नहीं है, वही 44 ग्राम पर नहीं थे, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का कुल द्रव्यमान पहले और अभिक्रिया के मिश्रण बनने वाले उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा रह रहा है, समान रह रहा है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बता दिया। इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यदि हम देख रहे हैं कि इनके अगर अनुपात को देखें तो 12 और 32 रहता है, 12 32 को अगर हम काट लें, जैसे 6 दूनी के 12 काट दिया, 16 दूनी का 32 काट दिया, 3 दूनी का 6, यानी 3:8 में चाहे कितनी भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, वो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती चली जाएगी उतना ही उसका अनुपात स्थिर रहता चला जाएगा। जैसे देखिए अब इसको अपन आगे ले लेते हैं, मैं यहां पर इसे बढ़ा देता हूं, जैसे CO2 है, 2CO2 कर दिया मैंने इसको, 2CO2 करते हैं, हम जानते हैं कि कार्बन के कितने हुए, 2×12 हो गए, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के दूसरी के 4 हो गए, तो 4×16 हो गए, तो ये तो 12×24 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो 4×4 = 8 × 6 = 88 हो गया, कितना हो गया, 88 ग्राम हो गया। जैसे मान लीजिए उधर भी हम देखें तो बनने वाला उसी तरह से, क्योंकि हमें LHS और RHS क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। उसी के अनुसार हम यहाँ देख रहे हैं जो जो इसका बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन इसको भी काटने पर हम देखेंगे 24 को 64 कह रहे, 64 कर रहे हैं, यदि मान लीजिए हम इसको काटेंगे तो ये 12 हो गया, ये 32 हो गया, ये काटेंगे 6 हो गया, ये हो गया 16, इसको काटेंगे 3 हो गया, यानी 3:8 में कितनी भी बड़ी राशि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उनके अंदर अनुपातों का जो नियम है वो 3:8 ही रहेगा, यानी इसे ही हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दिया हमने अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का सूत्र होता है, अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3, क्या होता है NH3। अब इसे NH3 में हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक है और हाइड्रोजन के हैं 3। हम जानते हैं कि इसका भार N1 का भार कितना हो गया, 1/14, और इधर अनुपात लिख दो, 3 है हाइड्रोजन के और 3 का भार 1/3 × 1, तो ये तो हो गए 14 और ये हो गए 3, यानी जहां भी हम देखेंगे अमोनिया की राशि चाहे कितनी बड़ी हो जाए उसमें अनुपात 14/3 ही रहेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, किसी प्रयोग में तत्व एक्स के 12 ग्राम तथा तत्व वाई के 16 ग्राम आपस में संयुक्त होकर के एक यौगिक बना देते हैं, और दूसरे प्रयोग में हम लिखें तो भाई दूसरे प्रयोग के अंदर क्या होता है कि जैसे दूसरे प्रयोग में एक्स के 3 ग्राम ले लें और वाई के 4 ग्राम, इनको आपस में संयुक्त होकर के क्रिया करवा देते हैं, तो इसे कारण से समझाएंगे और तथ्यों के द्वारा भी ये देख लेंगे कि भाई क्या हो रहा है। जैसे देखिए एक्स और वाई का दोनों का लेगन, देखिए जैसे मैं आपको इसके अलावा भी एक उदाहरण छोड़ देता हूं, हाँ तो भैया देखिएगा कि किसी प्रयोग में तत्व एक्स के तो 12 ग्राम है, उदाहरण है किसी प्रयोग में तत्व एक्स के 12 ग्राम तथा तत्व वाई के कितने हैं, वाई के देख लेते हैं वाई के 16 ग्राम आयु प्रश्न से तो करके तत्व वाई के 16 ग्राम आपस में
तो अपन यहाँ लिख देंगे तब एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तत्व एक्स का 12 ग्राम प्लस वाई तत्व का 16 ग्राम कितना हो गया 28 ग्राम। एक्स और वाई तत्व दोनों में करके क्या बना दिया भाई 28 ग्राम बना दिया। अगर हम इनके दोनों का अनुपात को काट करके देखें तो इसमें हमारे सामने क्या आ रहा है 3:4 आ जाएगा। देखो जैसे 3×4 = 12 और 4×16 = 3/4। अब ये तो 3/4 हो गया इसका। अगर हम मान लीजिए दूसरे उसमें देखें कि भाई प्रयोग में x के तो 3 ग्राम है और y के 4 ग्राम आपस में संयुक्त होकर के एक नया यौगिक बना दिया, कारण से समझाएंगे कि उपरोक्त तत्व रासायनिक संयोग के किस नियम से है। तो कारण का सत्यापन करने के लिए हम दोनों प्रयोग में x और y के द्रव्यमानों को देख रहे हैं तो दोनों का अनुपात एक स्थिर आता है, समान आता है, तो ये स्थिर अनुपात के नियम को हमें सरल करके सत्यापित कर देता है। कि जैसे मान लीजिए दूसरे प्रयोग में इसी तत्व x है, दूसरे प्रयोग में इसी तत्व के x 3 ग्राम तथा y बराबर 4 ग्राम तब भी क्या होगा x प्लस वाई या x अनुपात y का लेते हैं यहाँ x का अनुपात 3 ग्राम और y का अनुपात 4 ग्राम तो 3:4 क्या हो जाएगा 4। दोनों में समानता आ गई, इससे क्या होता है कि ये नियम इस नियम की व्याख्या कर रहा है स्थिर अनुपात के नियम। कौन से नियम की व्याख्या कर रहा है, स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। इसी तरह से आप अन्य उदाहरणों में भी हम देख सकते हैं। अब आपका नया पॉइंट आ जाता है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या है। देखिए डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत के आधार पर अपन समझ पाएंगे कि जॉन डाल्टन कौन था और उसने क्या परमाणु सिद्धांत दिया था। इसे मैं मिटा रहा हूँ भाई। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये किसी अन्य तत्व या पदार्थ से क्रिया करके अक्रिय गैसों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। परमाणु क्या करता है, परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाता है और क्या करता है फिर अक्रिय गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं और उसी के बाद रासायनिक बंधिया यौगिक बना लेते हैं और स्थायित्व का ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रिक विन्यास 3 प्रकार से प्राप्त करता है, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, या फिर क्या करता है एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करता है। तो सबसे पहले अपन कुछ डाल्टन परमाणुवाद की बातें लिखेंगे कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। प्रत्येक परमाणु ये चाहता है, प्रत्येक तत्व का परमाणु यह प्रयत्न करता है कि वह
अधिकतम अष्टकोण इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके एक उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। भाई वो स्थिर अवस्था में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, किसी न किसी सूची क्या करने की जरूरत होती है, परमाणु संयोग करने की जरूरत होती है। प्रत्येक तत्व परमाणु का जो परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके इलेक्ट्रॉन विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा प्राप्त करना चाहता है, एक अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए क्या करेगा, वो तीन तरह से वो उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करता है, जैसे उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए तीन प्रकार अपनाता है। नंबर एक, जैसे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग, या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, या फिर क्या करेगा दूसरा कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है ग्रहण करता है। और तीसरी बात है कि एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। आपको इस बात का पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है कौन सा आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जब कौन सा आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन को जब साझा करता है तो किस तरह से होता है, ये सारी बातें आप बताएं। तो इसी के अनुसार मैं बता दूं, जैसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद तो देखिए जैसे उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा और जैसे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा और जैसे साझा करेगा तो उनके अंदर क्या बन जाएगा सहज बंध बन जाता है। इस तरह से क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन का तीन प्रकार से उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से परमाणु का स्थायित्व अधिकतम होगा जब अपने बाह्यकोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। परमाणु जितना अधिक स्थायी होगा उतना ही कम क्रियाशील होगा अर्थात अक्रियशील हो जाएगा, यानी जितना स्थायी हो जाएगा ना उतना ही अक्रिय हो जाता है। इस बात को हम जानते हैं। वैज्ञानिकों के लिए नियमों की व्याख्या करना एक सोचने विचार बन चुका था तब सन 1808 में।
और उस जॉन टर्न ने क्या क्या रासायनिक संयोग के नियमों को सत्यापित किया? ग्रीक दार्शनिक और वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ जिसको हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, सूक्ष्म तो एम्बायोजिकल जिसको हम क्या कहा, परमाणु का वैश्विक कणाद ने भी इसे परमाणु ही कहा, जिसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया है। डाल्टन ने इस बात की पुष्टि की है कि पदार्थ द्रव्य होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। मैं इस बारे में आपको तो बड़ी नोटिस होना चाहूंगा। अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु को एक अविभाज्य विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको परमाणु नाम दिया। इसकी पुष्टि द्रव्य, अर्थात उसने कह दिया कि द्रव्य होता है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये बात किसने कही? ये बात जॉन डाल्टन ने कही। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाना चाहूंगा, इसके बाद बाकी बातें आपको मैं कर लूँगा। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें।